गोरक्षा दल का तहसील अध्यक्ष जुका ही वह आपने कन मौजूद ही आको परिचय जान से आप और आ गौशाला का मैं जकी आप हांड फिर की और जो कवरेज लियो है भी कवरेज के बारे में सत्यता को पतो चल लगो आप ने आ भाई साहब हूँ क्यों क्योंकि ए उरे पूरो जायजो ले रखियो है और उरे आता जाता रहे क्यों जी गलत करे होंगे ना ना सही तो भाई साहब परिचय बताओ। मैं संदीप सिंह बड़ागा हूँ गोरक्षा दल को तहसील अध्यक्ष जी। मैं ही गौशाला को लज्जत पतो चाली जत लंपी का मई गया गाँव में परेशान में एक दो बादशाह को एक्सीडेंट हो गया नंदी को और एक गाय को भी नड़गा ली तो भी क्या हालत है यही कर दी दो तीन दिन का माई मरण वाला हो गया एक तो मर गयो और एक मरण की हालत में हो तो मैं माई आके देखा तो यह गौशाला बड़ी खाली खाली रखा अभी भी देख सको खाली होगी गौशाला पूरी ठीक है खाली। तो गौशाला का माई या कोई मैनेजमेंट को काम को नहीं है ना कोई गौशाला चलानी है कोई यहाँ कर ला रहा है कि गाँव में जो आवारा घूम रही है किसान परेशान है लठ मारता अंडा रातू तो ये गाँव गौशाला रही बारह काट दे तो ही मैं सरपंच जी ने भी फोन करे आए की बात को नहीं है सरपंच जी ने गांव का जो भी नेता से फोन करे उरे मीटिंग हुई है कलेक्टर ने ज्ञापन भी दे के आए हमें लेकिन ये सब चीज़ें दबा दी गई है जी। मारो काम यानी मैं जो करनो सारे वो हो को नहीं गांव में जो भी आवारा जो भी घूम रही गायें गाय माता जो भी परेशानी मांगो सबको इलाज कराया मैं लंपी में 15-20 हज़ार रुपये की दवाएँ मांगू मैं खुद में एकदम ट्रीटमेंट करवाया गाँव में चंदो लेके जो हमारा राजपूत समाज का बढ़िया काम करनी है अबाकन लेके अदर समाज का भी दिया मैंने अजय जी बालोटिया है पूरा सहयोग दियो मैंने कि दुआया सब मेरी तरफ हुआ है और तो चाहे थान बोले जाए तो बे भी आए हैं भले भले गौशाला की हालत सही को नहीं हो सके क्योंकि अपना मैनेजमेंट आया हुआ है तो बोले तो दोस्तों उरा में जहाँ पूछूँ तो मैंने पूछना पर यह पता चलो कि उरा 250 गाय बताओ। हाँ 250 गाय तो थाने कत्ती गा लागे हो रहे 250 गाय कुछ को नहीं। मैं अभी 2-3 दिन पहले आया गोकुल जी पंच है हमारे नोड़ा की डाणी का बे परेशान है गए कि यानी बाँ खेतम बड़े लोग आ गए तो बे परेशान हो रहा रातू हंड है एक दिन आया है बात करी तो सरपंच जी में स्पीकर को बात कराई बान भी सुना कैसे चाहिए सरपंच जी हैं बोले बोले 5-4 गाय यहाँ तो गाल लो और बाकी बोले अब रहने दियो जो गाल लेना हो तो ये दबा दिया बान भी सरपंच जी भी हूँ यानी कि डर ही है शायद मन तो यहाँ लगे मतलब सरपंच जी 20,000 है कि ये चक्कर है मानते हो गंभीर बाकी होते सन पूछ लो सहगा माई आगे वापस खड़े होना है सरपंच कहीं सपोर्ट करो बाको हर नेता दब रहे तो बिजनेस के लिए जा रहे हो तो था रख गए देख लो थेपड़ी था थेपड़ी थाप थाप गिरा हां तो ये बेचन खातिर ही थाप रखी है बाकी देख लो वो दूनो दियो गाय के और कोई मरण लाग दिया तो गाय ना दूनी दे ना दवाई लगावे अब अनाज भी आवे यानी हमारा गांव में कभी सकरात के दिन ने गौशाला की सफाई भी नहीं हो आप देखा होगा वीडियो अंदर गौशाला में सफाई भी नहीं करवा ढंग से अभी हमारा सकरात के दिन भी अड़ो गाँव में यानी हर घर गेल कम से कम 100 रुपया लिए मारो कितो बड़ो गाँव धन पतो है शीतल गाँव का अड़ा है यो शीतल गाँव का ये गौशाला है हासिल से यह गौशाला है केसरपुरा की यही है 3-4 गाँव परेशान है 110 गाय छोड़ रही है बताओ 3-4 गाँव में 110 गाय थोड़ी है 110 गाय में 30-40 गाय तो दूध दे रही है 300 गायों को अनुदान ठाता बताओ मैं खड़ू यानी मेरी तरफ हूँ जानकारी जुटाई 300 गायों को अनुदान ठा रहे हैं हर साल के मतलब है गायें 110-150 रखा 110 दूध देने वाले गाय थे देखो माई एक नंबर को फर्स्ट क्लास थोड़ो घर रहे थे अभी दिखावा था अनुभव देखियो दुधारू अलग रखा दुधारू अलग रखे है दुधारू गाय होगी 20-25 गाय है बस गाँव की यानी कि गौशाला के नीचे 100 बीघा जमीन है कम से कम 100-150 बीघा तो यानी बन भी मैं फसल करके भी तैयार करके भी गाले जान तो गौशाला चंदा की जरूरत ही कोई नहीं एक नंबर की गाँव की इतना एक नंबर की गौशाला हो यानी झुंझुनू जिला में बात कराई बड़ा गाँव की एक नंबर की गौशाला है लेकिन ये हालत क्या खराब हो रही मारिया कौन समझी माना पता चलो लंपी का माई आके मैं तो ध्यान दिया गांव का आवा फोटो खिंचा के चल जाओ कि गांव में गौशाला में चल गया भाई माई ना के देखा कोनी की क्या हालत है गौशाला को चंदो देनी आवा भी गेट की गेट में बिठा ले माटी कौन लागण देते वीडियो बना के दिखाओ ना भाई माटी कौन लागण दे आपका शरीर जो मैनेजर है काम करने वही माटी कौन लागण 2-4 बेचारा बिहारी ये हठों ले रहे गए बे काम करा बस 2 आदमी बे कितो कर दे थानी पता ही होगा 150 गाय को तो 2 आदमी कौन कर 4 आदमी लगा रहे ऑफिस कमाई तो बैंक थोड़ी है बे ऑफिस कमाई काम करे बाकी तनखा भी ज्यादा है बस 4 ऑफिस में लगा रहे बाकी जो गाय की सेवा कर रहे है जो मजदूर है बे ना तनखा टंकी दे रहे है और ना मान यानी मैनेजमेंट वहां को बढ़ाई यानी हाँ यानी एक अरे कोई गाय मर जाए तो इन 3-4 दिन अड़े पड़ी रवीन कोई उठाओ को नहीं अरे बड़े सामने भी मैं बाड़ा में गाड़ दिया 60-70 गाय काट रखी है कुल्डी में दो 2,000 रुपये की पर्ची बना लेगी मैं फलानी जगह गढ़वाया वाल्मीकि समाज का लोग आया बड़े गाड़ी की बाहर की गाय तो क्या मायने बाड़ गए घोसले खुद ही गए बाहर घूम रही है बीमार जो गाय बीमार होगी ना बिन बाहर काट दे बिन बाहर निकाल दे जो गाय दूध नहीं दे बुढ़ी होगी बिन बाहर काट दे तो दोस्तों ये गौशाला के मायन आया जना फाना हकीकत को पता चलो बाकी बारू देखा फा तो काफी लंबी चौड़ी बहुत बड़ी आ गौशाला है
और भीतर व्यवस्था देखांगा आपा तो सिस्टम की व्यवस्था बहुत तगड़ी, लेकिन कार्य जो सैली है बिल्कुल खत्म है। और आ बात मैं कौन कह रहा हूँ, ए बात सगड़ा भाई साहब बताने का लाग रहे ही, अगर थाना और जानकारी चाहे तो कमेंट में बतायो थे। दोस्तों कोई भी आदमी हो, जानवर हो, पशु हो, कुछ भी हो, वो भूखो पड़ो रह पा अचानक भी ने बोली सारी बढ़िया तरीके की मिठाई खुआ दे जनाबी को, पेट फूल की डफू हो जाए एकदम। पशु हॉस्पिटल मारे एकदम करना है। मैं भी गांव में जो ये नंदी रे गौ परेशान आ बाकी बुलाया तो एक दो बार आके चली गया, बाकी मानिए आड़ा टाड़ा ही दे, कोई कौन पूछे गौ, ये पशु हॉस्पिटल को कोई मैनेजमेंट सही को नहीं है। अभी गाँव का जगह 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 ये देखो खरोच हो रही, लेकिन एक कोई इलाज का नाम कुछ ही कौन लगा रहा है, क्योंकि ये गौशाला की बात तो दोस्तों थे देख सको गाय ही कितनी तैयार हो रही है एकदम से, थे देख सको कि क्या तरीका वन चराई करी गई है। भी गाय ही उरे जितनी भी उरे गाय ही गाय यही है कि भाई साहब टोटल यही ना, यही ना तो बाकी गाय और उरे ही कड़े पेरों को नहीं। चल चल आओ जी, यहाँ की कंडीशन बिल्कुल लागे को नहीं, कि गौशाला कमाई बढ़िया आगे बेकार हो रही हो, इस साबुन लागे को नहीं, कोई भी गाने थे देख सको। एक अलावा आगे और चलांगा फा तो थे और देख सको कि अब ये बीमार हो रही ही कहा हो रही क्या है, अब बात समझ में को नहीं आ रही, या फिर फूस फल लियो गालियो कौन जा रहे हो, कुछ न कुछ बात जरूर है। ये बेल है क्यों की कंडीशन आया क्या है पता है, ये कंडीशन देख लो गाय की देख लो, हाल है देखो ते आगे खड़े ये दोनों मरती है। तो दोस्तों गौशाला की स्थिति बड़ी नाजुक है, अगर समय रहता और गौशाला को जो मैनेजमेंट है वह अगर थोड़ा सोक भी आंख ऊपर गौर कर ली तो ए गाय ही ए नंदी ही रहेंगी और बढ़िया तरीकों आंकी बेकार हो जाएगी, तो ये बिल्कुल दूध भी अच्छे तरीकों दूध भी दी और आंकी आत्मा है आशीष भी दे। ये बिजनेस क्लास है। अच्छा जी, वो इकोनॉमी है। अच्छा जी, और संभाल मार कर आजा, चोरी को नाम लगावे वाला चोरी को केस कराने ड्राइव गए, मैं दो तीन बार आ गया संभालने तो माने बोले बोले चोरी को इंसान लगाओ आगे बाहर कडवाने ये बोला दिनों का बोला नाटा माने चोरी को झूठा इल्जाम लगाने की धमकी भी दी गई है। गाँव का ना विनोद कुमार शर्मा। अच्छा जी, हाँ तो यह की कृष्ण गौशाला समिति है, इक माइक के पद पर होते, मैं भी तो एक एज ए मजदूर पर हूँ। अच्छा, पहले व्यवस्थापक हो, मंत्री हो, दो साल से त्याग कर रखे तो अब गौशाला थे संभाल रहे हो कुनी, अब संभाल लो बिल्कुल थारा हाथ में ना आज के दिन, तो हाथ में तो भगवान का है जी है, लेकिन आज के दिन गौशाला में जो कुछ गाल है नहीं गाल है, बस सर डिसीजन ते ले रहे हो आपने। गौशाला में गाय कितनी है? गाय तो ये टाइम पर 225 का लट्ट पटे 225। हां हम दुधारू कितनी है? दुधारू होगी करीब 30-35। हां डॉक्टर बता रहा क्या कि भाई सर्दी में भी पंखा चलाना यहां के? अजी सर्दी में पंखा ये चलाना, डॉक्टर को बता रहा क्या जहाँ रात ने पेशाब करेंगे समझ गए सर, और फिर बाद में आ कमरा का मन तो धूप आवे और नए पान वक्त पेशाब निकलने के लिए जगह, धूप भी कौन आवे पेशाब निकलने की जगह कौन, तो वो पेशाब माई मार है तो वो पंखों चालने से क्या है कि थोड़ा सा सूख जा, जो शाम के वक्त दूधारू गाय माँ बढ़ जाना जना के है कि वो दूध के लिए या काम करने के लिए पैर पिसल को नहीं। अच्छा जी, दूधारू गाय कितनी बताई? ये अंदाज होगा भाई, मैं तो देखो पूरी तो कुनी कुनी है पर ये होगी 25 एक लट्टी पट्टी 25 एक ही। हाँ, और 30 अभी 25 में अंदाज पूरी कुनी गेणु मग। हाँ, एक टैंक है। हाँ, तो बिका वो पानी काम में ले रहे हो ना है। वो गंदो पानी आ पेशाब को बारिश को गंदो पानी जा रहे है। अच्छा,
और पानी काम के लिए लेने के लिए दूसरो पंप लाग रहे हो आपने, उधर से बोरिंग है, बोरिंग से चाह है वो तो गंदो पानी भी का माँ गल जा जद भर जा है तो पंप लगा कि बाढ़ ने भी ने काट दें। अच्छा जी, भी की व्यवस्था है। अच्छा जी, और जो कि गाय ही बारली गाय और जो कि मायली गाय ही, हम एक चीज देखी कि बाड़ा जो को फूस थे गाल ले जाओ भी फूस के मायने कठे कोई गोबर है कोई लीकड़ा ही मतलब खाने वालों से को नहीं, तो अम राम इतना अंतर क्यों है जी? देखो आ तो है छानी और वो है तूड़ो, दूध आले गाय ने तूड़ो छानी गालते ही क्या होगी वह दूध देने से बंद कर देंगे, क्योंकि पहले आप छानी गाल करता बंद पान आदत थी, और अब क्या हो रही है कि अब की गायें फसल की है कि वो तूड़ो ही खाना में खुश हो रही, तूड़ो गाल दे जाना बल्कि दूध दे दें थोड़ी बहुत, कोई किलो दे है कोई आधी किलो दे है कोई तीन पा दे है इस हिसाब से दूध दे रही है, तो वो तूड़ो गाला जा वो तो नहीं दे दें, और वो तूड़ो ने गाला छानी ने गाला तो बस वो भी देना बंद कर देंगे, ये कारण है। इसके अलावा और कोई? और तो भाई साहब बोलो, मेरे जो नॉलेज है बता दे। कई गायें बीमार हो रही, बाकी कोई ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? हो रही है साहब, मैं देख के आया हूं। हां जी हो रही है, कहीं कहने को नहीं, अब भी डॉक्टर बैठे है और अभी उठ की बस आ रहा हूँ ट्रीटमेंट करके आए ही बाहर। एक गाय मरण वाली सी भी हो रही है पड़ी है, तो देखो देखो बीमार वर्द तो इलाज तो करवा रहे हैं? हाँ इलाज बराबर हो रहा है, बराबर है। यहाँ तो यह कहता तो बाहर ही देखो ऐ खुद ही छोड़ के गया, ये कहता साल पहले छोड़ चार महीना पहले छोड़ के गया। अच्छा, इन इतनी मतलब मुंडा में घासियों दे दे की तूड़ा मिला की दलियो जुआरा की आज मतलब दो महीना से सेवा करने लग रहा है इनका। तो दोस्तों लाइक करो शेयर करो, गौशाला की आप पूरी जानकारी दोनों तरफ की देनी ही, अब डिसाइड तान करनो है कि उरे को मैनेजमेंट में मिस्टेक है या फिर जो कि आप दिखाई बीम कोई कोताही बरते गई है या फिर उरा आप जो का लड़का आस पास ई गांव का जो का रात दिन आवाजाई करे हैं, बस सही बताए या गलत बताए, डिसीजन तान लेना है और कॉमेंट करके बताना है।